রানিগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্সের সভাগৃহে পৌঁছলেন মন্ত্রী মলয় ঘটক। ব্যবসায়ীদের সাথে নানা বিষয়ে আলোকপাত করেন মন্ত্রী। মূলত তিনটি বিষয় নিয়ে ব্যবসায়ীরা মন্ত্রীর কাছে তাদের সমস্যার কথা তুলে ধরেন। এগ্রি মার্কেটিং ট্যাক্স সংক্রান্ত বিষয়, ট্রেড লাইসেন্স ফি বৃদ্ধি, হোল্ডিং ট্যাক্সের নানা সমস্যা নিয়ে মন্ত্রীর কাছে সমস্যা সমাধানের আবেদন রাখেন চেম্বার অফ কমার্সের সদস্যরা। এগ্রি মার্কেটিং ট্যাক্সের নানা সমস্যার বিষয়ে সমাধানের জন্য সরকারের কাছে আবেদন রাখা হবে বলে জানালেন মন্ত্রী মলয় ঘটক। হোল্ডিং ট্যাক্স ও ট্রেড লাইসেন্স সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানের জন্য উদ্যোগী হওয়ার কথাও জানালেন তিনি। এসেনশিয়াল কমোডিটি অ্যাক্টের প্রসঙ্গ উঠে আসে মন্ত্রীর বক্তব্যে। নোটবন্দি, জিএসটি ইস্যু নিয়েও কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের সমালোচনা করেন রাজ্যের মন্ত্রী মলয় ঘটক। আমি 2011টা আগে এক কানুন বহুত জ্যাদা আপ লোক কে উপর লাগায়া যাওয়া থাকা এসেনশিয়াল কমোডিটি অ্যাক্ট। अभी आपको बता रहा था दाल चावल दिए, हम तो तब वकील थे। रानीगंज के कितने बिजनेसमैन मेरे पास दौड़ते थे, हम कोर्ट से जमानत कराते थे, लेकिन अभी ये नहीं होता है। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, इतना ज़्यादा परेशानी होता था बिजनेसमैन लोग, अभी लेकिन ये परेशानी नहीं है। और अभी सेंट्रल गवर्नमेंट जो बना है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनने के बाद भी इतना परेशानी बिजनेसमैन का हुआ, फर्स्ट एक नोटबंदी में हुआ और नोटबंदी का बाद बिजनेस हम लोग का देश का रोज पेपर पढ़ते होंगे। आपका खाली गाड़ी में जो मोटर व्हीकल्स है, गाड़ी गाड़ी में 30% कट डाउन हो। জিএসটির পর এগ্রি মার্কেটিং ট্যাক্স বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে তাদের উপর, জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে এই ট্যাক্স। তাই এই ট্যাক্স অবিলম্বে তুলে নেওয়ার আবেদন জানান ব্যবসায়ী রমেশ মারদিয়া। हमारी टोटल इनकम 4 लाख 5 लाख रुपया, उसमें 25,000 का एक मिनिमम हमको रखना पड़ रहा है। हमारा घर चलता संसार चलना मुश्किल हो रखा है। ऊपर से ये एग्री मार्केटिंग का एक नया बवाल अगर आ जाएगा तो हम उसको कैसे मेंटेन करेंगे, ये हमारे दिमाग में अभी तक नहीं आ रहा है। इसके ऊपर बहुत चर्चा करना चाहिए। दूसरा, अभी म्युनिसिपैलिटी का जो बवाल है, पहले लोग जाते थे म्युनिसिपैलिटी में आराम से ट्रेड लाइसेंस लेते थे, आ जाते थे, ठीक है, लेकिन अभी इतना इतना पेपर देने के बाद भी ट्रेड लाइसेंस लेने में बड़ी दिक्कत आ रही है। दूसरे, हम लोगों पर एक बहुत खराब बात आपको बोल रहे हैं, मारवाड़ी का ठप्पा लगा हुआ है। एक मारवाड़ी लोग कुछ भी वोट देते हैं वो बदनाम हर पार्टी करती है। बीजेपी बोलती है हमको वोट नहीं दिया, तृणमूल बोलता हमको वोट नहीं दिया, सीपीएम बोलता हमको वोट नहीं दिया। अरे मारवाड़ी कास्ट ऐसा है क्या है? मारवाड़ी कास्ट ऐसा है जो सत्ता में रहता है उसका पूजा करता है। हम लोग तो यही सुने हुए कि पुराना जमाने में राजा महाराजा रहता था, वो लोग मतलब अपना भेष बदल करके पब्लिक के बीच में जाते थे। চেম্বার অফ কমার্সের বর্ষীয়ান সদস্য বিজয় খৈতান ট্রেড লাইসেন্স ফি বৃদ্ধির কথা তুলে ধরেন। এর জেরে সমস্যা বাড়ছে ব্যবসায়ীদের, জানালেন তিনি। প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠান और शायद मैं सोचता हूँ कि यहाँ पर सभी व्यवसायियों के और ट्रेड लाइसेंस नहीं है। नहीं, सुन लीजिए साहब, मंत्री महोदय, एक ट्रेड लाइसेंस मेरा है एजेंसी का, वो 500 रुपये था और गए साल बढ़ के 2500 रुपया उसका दिया गया था, 500 का 2500 और उसके उपरांत और इस साल और दुनिया का कागज जमा लिया गया, लेकिन उसके बाद म्युनिसिपैलिटी ऑफिस में, बोरो ऑफिस में। रामबाबू जाधव, रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स, रानीगंज।